हिंदू मुस्लिम के झगड़े मुझे नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो ना। तो एक इंसान ऐसे कैसे शूट कर सकता है अपने प्राइवेट, यू नो, आप समझ सकते हैं, सब कुछ करते हुए, सेक्स करते हुए, कुकर्म करते हुए कैसे शूट कर सकता है एक इंसान। एक्टर राखी सावंत ने अपने हस्बैंड आदिल खान दुर्रानी के परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आदिल की फैमिली ने मुझसे कहा कि मैं हिंदू हूं, इसलिए वो मुझे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने मैसूर जाके उनके डैडी को फ़ोन किया, उनके डैडी ने बोला कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत गंदा बोला उन्होंने मेरे को, नहीं वो हिंदू मुस्लिम के झगड़े मुझे नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो ना, कि मैं आई हूँ मुझे घर में आने के लिए। और फिर उन्होंने मना किया तो मैं उस एरिया में गई, किसी ने एड्रेस मुझे भेजा था तो मैं वहाँ पहुँची, और आप देखा, आपके पास वीडियो भी है। मैसूर में एक ईरानी स्टूडेंट ने आदिल के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के सिलसिले में कर्नाटक पुलिस ने आदिल को मुंबई पुलिस से हिरासत में ले लिया है। आदिल को वेंसडे को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। राखी ने मुंबई पुलिस से जेल में बंद आदिल के 2 मोबाइल फोन की तलाश करने की भी अपील की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने कई महिलाओं के साथ सेक्स करते हुए वीडियो शूट किए हैं और इसे अपने फोन में सेव करके रखा है। तो उनके जो 2 फोन हैं जिसमें अश्लील वीडियो हैं सारे लड़कियों के कुकर्म करते हुए, मैंने कल वहाँ पे पुलिस स्टेशन में एक उसको उसी लड़की के साथ कुकर्म करते हुए वीडियो देखा, मेरी जान निकल गई। कोई एक इंसान ऐसे कैसे शूट कर सकता है अपने प्राइवेट, यू नो, आप समझ सकते हैं, सब कुछ करते हुए, सेक्स करते हुए, कुकर्म करते हुए कैसे शूट कर सकता है एक इंसान। ओ माय गॉड, वो सोच के ना, जितना थोड़ा बहुत दिलो दिमाग में प्यार था आदिल के लिए, वो भी चला गया मेरे वीडियो। ये पुलिस वाले क्या हो गया इंडियन पुलिस को, ये क्यों इतनी सख्ती नहीं बरस रही उस पर, क्यों, क्या हो गया ओशिवरा पुलिस स्टेशन को, ये क्या हो गया है इंडियन पुलिस को। उस लड़के के इतने सेटिंग कर रहा वो सब जगह, क्या हो गया इन लोगों को, ये 2 उसका फ़ोन नहीं निकाल पा रहे, कितनी लड़कियों की जिंदगी है उसमें। फ़ोन कहाँ रखा है उन्होंने? वो झूठ बोलता है, इतना झूठ बोल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना मारे मारे। सारी चीज़ों में उनके ड्राइवर मिले हुए हैं उनके साथ, उनके डैडी मिले हुए हैं, उनके ड्राइवर वगैरह बहुत सारे लोग मिले हुए। मैं पुलिस नहीं हूँ ना, मैं तहकीकत नहीं कर सकती ना, वो लोग को लोकेशन निकालना है ना। वो पुलिस लोग जो उन्होंने शपथ खाई थी पुलिस वालों ने कि इस देश के साथ, इन देश की जनताओं के साथ न्याय करेंगे, तो मैं न्याय मांगती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ओशिवाला पुलिस स्टेशन में ये लोगों ने क्या कोर्ट में दे दिया, क्या ये लोगों ने 4 दिन इन्वेस्टिगेशन किया। आई रियली डोंट नो, वेरी अपसेट यू नो, कि कहाँ है वो फोन्स। हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमें वो फोन्स चाहिए, फ़ोन में सबूत है। और वो अपनी जान भी दे देगा तो फ़ोन नहीं देगा, क्योंकि उसके माल में लंबा फंसेगा। वो फ़ोन में नंगे वीडियोज़ हैं लड़कियों के सेक्स करते हुए, बीवी के साथ, गर्लफ्रेंडों के साथ। ये कितनी औरतों ने मुझे मैसेज करके बोला, हमको जूस में पिला के हमारे साथ कुकर्म करते हुए वीडियो निकाल लिए, हमें ब्लैकमेल करता है ये सारी ज़िंदगी। बहुत गलत बात है ये। पुलिस वालों, मैं तो कहती हूँ एक केस तो ढंग का इससे सबूत निकलवा लो। आप लोगों में है ताकत, कानून की ताकत है, उसकी बातों में आके आप लोग एक ओशिवरा पुलिस स्टेशन 1-2 फोन निकाल नहीं पाए इससे। आई फील सैड।